मुमरा पनवेल हाईवे पर एक अलीशान गजाली ढाबा है, जहां आप फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। और आपको यहां लाजवाब औधी, टर्किश, अरेबियन क्यूजिन, साथ ही स्पेशल डिश में पाए थाल प्लेटर खप्चा, वाइड रेंज ऑफ बेवरेज, यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल, किड्स प्ले एरिया, किड्स राइड्स और एम्पल्स ऑफ पार्किंग। साथ ही आप वेडिंग और बर्थडे पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो आज ही आए गजाली फैमिली ढाबा। मुमरा के तनवर नगर पर आप देखेंगे कि मनसे के कार्यकर्ता जो है इरफान सैयद, वो कचरे में लेटकर यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से कचरा कलेक्शन पॉइंट बनाया गया, उसको लेकर जो मनसे के नेता हैं कार्यकर्ता, उनसे हम बात करेंगे। इरफान भाई क्या विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या मांगनी है? देखिए, ये मुमरा में हमारे बड़ी बदनसीबी है कि जो जहाँ पर पब्लिक रहती है, जहाँ पर बिल्डिंगें हैं और जहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ के जो है सोशल वर्क गार्डन बना है खूबसूरत, उसके बाजू में कचरा जो है एक पुतली नहीं बनाई गई, यहाँ पर एक कचरा का एक बड़ा ढेर बनाया गया है। और यहाँ पर इनका ऐसा कहना है कि कचरा का कोई डंपिंग नहीं है, इसलिए तनवर नगर में ही रखा जाएगा। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये जब तक डंपिंग नहीं हटेगा ना, तब तक यहीं लेटा रहूँगा। इनका बोलना है कलेक्शन पॉइंट है और सिर्फ पाटा पे काफ़ी ट्रैफिक जाम, इस वजह से नहीं उठ पा रहा है दो दिन से कचरा। नहीं नहीं, ये तो इनके पास में बहाने हैं, ये यहाँ पर तनवर नगर पे कचरा नहीं रहना चाहिए। कचरा हटेगा तो ही मैं अटूंगा नहीं, यही आराम से रहूँगा, रात में भी दिन में भी कचरे पे ही लेटा रहूँगा। ये खाली इनके पास में बहाने, यहाँ से कचरा हटना चाहिए। यहाँ पर के रहने वाले लोगों के लिए बहुत तकलीफ है, यहाँ के जो है बीमारी फैल रही है, यहाँ पर लोग धंधा लगाते हैं, यहाँ पर गरीब लोग हैं जो रोज अपना घर का चलाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारी माँ बहनें आती हैं, उनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मुमरा में तनवर नगर कचरे का जो ढेर है वो बीमारी का गढ़ है, यहाँ से बीमारी फैलाने का जो है एक जंक्शन बनाया गया है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और वो भी मेन रोड पे है। आने जाने वाले लोग, शहर की काफ़ी बदनामी हो रही है कि मुमरा शहर जो है बोल रहे इतना खूबसूरत बन गया है और सड़कों पर कचरा, बदबू, सोसाइटी के लोग परेशान हैं। नहीं नहीं, ये जो है ना मुमरा में भेदभाव किया जा रहा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अभिषेक जो यहाँ का जो है कंस्ट्रक्शन है, ये जो प्राइवेट, ये भेदभाव कर रहा है। कहीं पर आप देखें जहाँ पर बिल्डिंगें रहती हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर मार्केट लगती है, उसके बीच में कचरा डाला जाता है, 10 दिन 15 दिन पड़ा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या सो रही है, क्या कुंकरण की नींद सो रही है? सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है मुमरा कौसा का। मुमरा कौसा के जितने साहब हैं सब आराम से खा पी के आराम से घर पर सो रहे हैं। सागर सोलंकी को दिखता नहीं है, खाली बिल्डिंगें दिख रही हैं, इल्लीगल बिल्डिंगें चल रही हैं, कचरा पड़ रहा है, ये नहीं चलेगा, यही हम जा रहे हैं लेटने। ये इरफान सैयद मनसे के जो अभी यहाँ पर कचरे के ढेर पर लेटकर, कभी खड़े होकर, ये अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि आप देखेंगे कि मेन रास्ता है और मेन रास्ते के ऊपर ही यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है और कुछ आम लोग भी हैं। चाचा, क्या कहेंगे आप, ये जिस तरह से ये कचरा यहाँ पर है, तकलीफ हो रही है आप लोगों के? नहीं, बिल्कुल तकलीफ हो रही है। हाँ, और बिल्कुल जहाँ पे आवाम का खास रहने का जगह है वहाँ पे कचरा बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है, नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल नहीं डालना। शहर का नाम अलग से बदनाम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मैं कामगार हूँ। कामगार हो आपका? अच्छा, आपका क्या नाम है? आदिल। ये कचरा जिस तरह से रोड पे डाला जा रहा है, सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। 1-2 महीना हो गया हम लोग यही कंडीशन देख रहे हैं, 2 महीना रोज आना जाना है, हमने यही कंडीशन देखे, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। रोज डंपिंग होती है, रोज कचरा यहाँ गिरता है, रोज सीबीसी भरा जाता है, वही 4 बजे तक यही कंडीशन है, 2 महीना हो गया मुझे। स्थानीय लोग हैं वो भी विरोध जता रहे हैं क्योंकि कचरों का अंबार इधर लगा रहता है और ये तमाम सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का भी काफ़ी विरोध है कि यहाँ पर कचरा ना डाला जाए। खाला, क्या कहेंगे, जब कचरा यहाँ पर रोड पर डाला जा रहा है, सही है गलत है? बहुत गलत है। हम लोग इधर धंधा करते हैं भाईजान, रात के कचरे की बांस लेके बीमार हो रहे, हम लोग बहुत गलत है। हम लोग इधर ही धंधा करते हैं, इधर ही बैठते हैं हम लोग। लोगों की मांग है कि जो है हटाया जाए कचरा। सुपरवाइजर है बापू मकरे, उनसे भी बात करते हैं। बापू भाई, मनसे के कार्यकर्ता जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा है, लोग चाहिए, लोकशाही में कोई भी विरोध कर सकता है, क्योंकि बाबा साहब ने अधिकार दिया है सबको, उनको गलत लग रहा है तो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। मगर मेरा यही कहना है कि कल एक्सीडेंट होने की वजह से गाड़ियाँ वहाँ से आ रही नहीं है,
वहाँ पे कुछ लोग मर गए, रोड फट गया, उसके वजह से गाड़ियाँ आ रही नहीं। अभी सुबह से हमने यहाँ से 5-6 गाड़ी भरा, अभी 4 गाड़ी कचरा है, जैसा वो गाड़ी आएगी कचरा हट जाएगा। अच्छा बापू भाई ये बताइए, सुनिए, ठीक है ठीक है ठीक है, कल से मानते हैं जाम, ट्रैफिक जाम थी, स्थिति खराब थी, लेकिन ऐसे आम दिनों में भी ऐसे ही कचरा पड़ा रहता है, लोगों को काफी तकलीफ होती है, सोसाइटी के लोगों को यहाँ पर तकलीफ हो रही है, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है। आपको क्या लगता है, जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं और ऐसे रोड से जाते हैं, ये कचरे का अंबार देखते वो मुंब्रा शहर का नाम क्या सोचते होंगे, कितना खराब लगता है कि हमारे शहर का नाम बर्बाद हो रहा है, बदनाम हो रहा है। आपको अच्छा लगेगा नाम बदनाम होगा? 2 बजे तक ये कचरा हटता है, अरे रखा ही क्यों जाता है, हटता क्यों? सुनिए ना, लोग यहाँ पे नीचे कचरा डालते हैं, इसके लिए वैसी गाड़ियाँ और आदमी रखे, जो भी कचरा लाता है वो वहाँ अंदर डाल लेते हैं। और यह क्या आपका जो कहना है कि यहाँ पे कचरा डालना नहीं चाहिए, तो आज शनिचार है, कल छोटी गाड़ी से, छोटी गाड़ी से आप कचरा, जो ऑफिसर है बाबू भाई, छोटी गाड़ी से आप कचरा लो और बड़ी गाड़ी में डायरेक्ट डाल के लेके जाओ ना, रोड पर पलटी करके फिर दूसरी गाड़ी में भरने की क्या जरूरत है, छोटी गाड़ी से डायरेक्ट बड़ी गाड़ी में लो। तो बड़ी गाड़ी हाईवा गाड़ी रहती ना भाई साहब, तो वो रिक्शा से जो लाते हैं टिप्पर से, तो उनका हाथ नेक फोड़ जाता है, वो भी इंसान है, इसके लिए अभी हटेगा, अभी आप जैसे बोलते 5 गाड़ी गई है, अभी उसके लिए तो हम लोग खड़े हैं। उसके आए, चलो आया, आ गया गाड़ी भी आई। मराठी मध्ये सांगा काय नेमका प्रॉब्लम होता, कसं आहे की